अभी रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी आए ले अभी बीच के सामने है, और मैं हूँ विक्की है, दीपेश है, हिमांशु भाई है, और अपने दूसरे फ्रेंड से ऋषि भाई इधर से कवर कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे, भाई ऋषि भाई ने एक जगह बताई, तो अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं और देखेंगे कि उधर पैरानॉर्मल जो नेगेटिव एनर्जी है वो कितनी क्रिएट करती है। तो चलिए चलते हैं उसे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर अंक सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेरी फैशन व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं भाई डुमस बीच, हॉन्टेड हाउस है उधर। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि भाई डुमस बीच जो है उधर, बहुत से लोगों ने बोला है कि भाई हॉन्टेड पैलेस है उधर, घोस्ट होता है, और रात को भाई उधर जाने की परमिशन नहीं है, बीच पर से कुछ लोग गायब हो जाते हैं। तो आज इसलिए मैं भाई मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं भाई डुमस बीच। तो उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल में ऐसा कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आज हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं भाई डुमस बीच। हम लोगों को किसी ने बोला है भाई, अपने सब्सक्राइबर लोग ने, कि भाई डुमस बीच पे बहुत हॉन्टेड से। तो आज हम आपको दिखाएंगे भाई कि ये सच है कि नहीं है, क्या उधर घोस्ट दिखते हैं कि नहीं। तो चलिए चलते हमारे इस व्लॉग्स की ओर। ओके, तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं डुमस बीच। और हाँ, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि वहाँ घोस्ट रहते हैं, रात को घूमने से अगर आप साथ चल रहे हो तो आपको रात में आपको अनुभव होता है कि साथ में आदमी कोई चल रहा है। तो ऐसा सही है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, मैं साथ में अकेले है, अपने भाई है, अपने विक्की भाई, विक्की संदीप, विक्की और संदीप। सूरत डुमस बीच पे हम जा रहे हैं भाई, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले गौरव चौधरी ने हमको चैलेंज दिया था कि भाई सूरत के कोई भी जो है हम डुमस बीच पे नहीं व्लॉग्स कर सकते। तो आज हम उसको रात में नहीं कर सकते, तो भाई आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि उधर रियल में घोस्ट है कि नहीं। और हमारे साथ हमारे दो फ्रेंड्स भी और है, विक्की है और दीपेश भाई भी हमारे साथ जो डुमस के। तो आज हम जो जा रहे और दिखाएंगे आपको कि भाई उधर क्या क्या मिलता है। और आज हम हमारे साथ है पैरानॉर्मल नाइट विजन मीटर है, जो कुछ भी ऐसा नेगेटिव कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो अभी हैं हम लोग एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो उस डुमस बीच के बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लोग कहते हैं कि वहाँ घोस्ट है बहुत सारे। तो आज देखेंगे कि उधर क्या होता है, और दिखाएंगे आपको भी कि रियल में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो हमने ले रखा है पैरानॉर्मल नाइट विजन, तो उसको हम दिखाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ घोस्ट है, वहाँ की रेतें काली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूतों का साया है। अगर आप चलते हो तो साथ में आपको होता है कि घोस्ट पहले चल रहा
ऐसा है या नहीं है, हम लोग जाते हैं रात में। अभी बज रहे हैं रात का 1 या 2:30 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डुमस बीच और देखते हैं। स्पेशल हम सूरत, आप सूरत की पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट है कि नहीं, हम लोग जाकर देखते हैं। ऐसा बात सही है, दिल्ली के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने चैलेंज किया था कि अगर कोई अच्छा यूट्यूबर है तो जाकर रात में वहाँ पर ब्लॉग बनाकर दिखाए, वहाँ पर बहुत सारे घोष हैं। तो ये सच है या गलत है, हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ है या नहीं है, या फिर ये बस अफवाह है कि बताया जा रहा है वहाँ घोष है। यही आप देखते हैं, साथ में अपने साथ हैं अंकित। डुमस के हम लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं, है ना अंकित? हाँ, ये डुमस की बॉर्डर है भाई, इधर बाइक खड़ा करके भी हम आपको नहीं दिखा सकते, इतना पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना पूरा हमको खुद को डर लग रहा है भाई। आप भी देख सकते हो कुछ भी नहीं है इधर। काफ़ी शांत इलाका है ये, इधर हम लोग डुमस के एरिया में एंटर कर चुके हैं, पर यहाँ पर रुक भी नहीं सकते हम लोग आगे। अब इतनी सारी बातें सुन चुके हैं तो इधर हमें भी थोड़ा लग रहा है, पर आगे चल कर देखते हैं क्या है। ये सही बोला भाई, वेलकम टू डुमस। ये गेट के पास पहुँच गए हैं, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बीच के एरिया में, हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी। अभी देख रहे हो कि पूरा जो है कोई भी नहीं दिख रहा है, पूरा रास्ता कोर एरिया है, आप देख ही सकते हो फ्रेंड। ये पूरा एरिया भी सुनसान है और बीच के एरिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं और आगे भी जा रहे हैं, बीच के साइड जाते हैं और देखते हैं उधर क्या है। नहीं बहुत ज़्यादा सुने उसके बारे में, तो चलते हैं अभी देख रहे हैं। बहुत कंटिन्यू, अकेले क्यों घूम रहे हो? एक छोटा सा बच्चा रात में अकेले घूम रहा है और लोग बोलते हैं यहाँ पर भूत है। एक मिनट रुके है क्या यहाँ पर? रुक रही थी लाइट में, बोलो कुछ तुम्हारा अपना वीडियो क्लिक। देख लो भाई, अभी हम रात को इधर आ चुके और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं। आगे हमारे दोस्त लोग की बाइक खड़ी हुई है। काफ़ी सुनसान एरिया है, कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और डर तो हमें भी भाई थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई इधर कुछ भी नहीं है। इतनी ज़्यादा बात हम लोग सुन चुके हैं, इंटरनेट वगैरह पर देख चुके हैं कि यहाँ भूतों का बसेरा है, तो कुछ अभी ऐसा है नहीं, तो हमें तो थोड़ा बहुत डर लगता है, पर आगे चल कर देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मुझे काफ़ी सस्ता मिला दूसरे काम को, तो बीच के साइड हम लोग जा रहे हैं और पता चला यहाँ पर एक सफान काट गई है, यहाँ पर जहाँ पर बनाया हुआ जाता है, तो ये देखते हैं। ये पुराने घर बंद पड़े हुए हैं सारे, अंधेरा है रास्ता में, मैं आपको पूरी दिखा भी नहीं सकता हूँ, लाइट वगैरह है नहीं, स्ट्रीट लाइट जल रही है पर कहीं कहीं लाइट जल रही है। चलिए तो हमें यहाँ उतर के एक टेंपल तो मिला है, पूरा एरिया सुनसान है, कुछ है नहीं, ना इधर ना इस साइड कुछ भी नहीं है, पर एक टेंपल है बस, वो भी बंद है भी नहीं। अंकित बताओ भाई कुछ। अभी हम बहुत दूर तक आ चुके हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा है, एक टेंपल दिखा है जो पीछे है, बस उसके सिवाय हमें इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, सब जगह पे कोई भी नहीं। आप देख सकते हो पूरा रात के 1:30 बजे और कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा सुनसान है। चलो हम अपने मीटर से आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या भाई। ये देखिए पूरा बंद पड़ा हुआ घर है,
ये इधर एक बंद पड़ा हुआ घर है, तारा मोबाइल तारा पैसे बंद से मारूं मैं। ठीक है, मैं आपको स्विच चल इधर दिखाओ तुम। देखिए ला मोबाइल ला, देख समय महसूस हो रही है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नेगेटिव हमें महसूस हो रहा है। अब तक ये अच्छा है बेटा, तो आप शो कर रहा है देख ही सकते हो एप्लीकेशन में, पता नहीं इस एप्लीकेशन पे मुझे अपना भरोसा नहीं है, शो कर रहा नहीं कर रहा तो भरोसा तो नहीं है, लेकिन हम 50-60% हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। 50-60 भरोसा कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते। रिस्क लेवानी ना पड़े। ये हम लोग डुमस बीच पे आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हमें, पर और भी एक हैं भाई लोग उधर भी शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं उधर भाई लोग थोड़ी दूर पर हैं, वो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं डुमस बीच पर, ये बीच है उस साइड, पूरा बीच ही है पर उधर हम लोग जा नहीं सकते हैं, पर कुछ लाइट वगैरह कुछ फैसिलिटी नहीं, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ है ही नहीं वहाँ पर, उधर जाकर कोई फ़ायदा है नहीं। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है बीच का, ये आप देख सकते हैं रोड का दुकान, यही है हम लोग के पास एक टॉर्च है उसी के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं, कुछ है नहीं आगे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है जो आपको दिखा सके। तो यहीं से स्टार्टिंग है बीच का, बीच का एरिया यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप सब देख लो। आप देख सकते हो कि अभी आगे जाने का परमिशन नहीं है भाई, इधर बोर्ड लगा हुआ है कि आगे नहीं जाने का, लेकिन इधर से आगे से पूरा बीच ही है, हम बीच पर खड़े हैं, लेकिन हमें इधर अभी कोई भी पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पे हमको मीटर बताया था, अभी हम वापस तो हमको मीटर बता रहे हैं आपको। अभी आप देख सकते हो ये मीटर है, अब देख सकते हैं हम बीच के सामने खड़े हुए, देख सकते हो पूरे का पूरा जो है वो पूरा नेगेटिव एनर्जी बता रहा है। नहीं 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 रियल, देख सकते हो फ्रेंड्स पूरा जो पूरा नेगेटिव एनर्जी बता रहा है, पूरा नेगेटिव।